हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी एज 35 हो गई है और अब आपको लोग कह रहे हैं कि अब आपके प्रेगनेंसी होने में काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली हैं, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपके 35 के ऊपर की प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब दे रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कि क्या प्रेगनेंसी हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है। 35 के बाद प्रेगनेंसी होने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, डिलेड कंसेप्शन हो सकता है, बट यस प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा सवाल कि क्या बच्चे ख़राब हो जाते हैं। डेफिनेटली तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि यदि आप 25 साल की एज में प्रेग्नेंट होते हैं और अब 35 के बाद प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा सवाल कि क्या उनमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। जी हाँ, उनमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ यानी कि डाउन सिंड्रोम होने का खतरा 25 साल की एज से लगभग डबल हो जाता है, यानी कि खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। चौथा सवाल, क्या प्रेगनेंसी कैरी ऑन करने में किसी और प्रकार की समस्या आएगी। यस, प्रेगनेंसी में थोड़ी समस्याएं बढ़ जाती है, यानी कि आपको डायबिटीज़ होने की, हाइपरटेंशन होने की, थायराइड की, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कुछ समस्या आने की संभावनाएं नॉर्मल महिला जो 20 से 30 साल की एज में प्रेगनेंसी करती थी उससे बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ते जाते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं। चौथा सवाल कि क्या मेरा बच्चा कमज़ोर पैदा होगा। ये थोड़ा डाइसी सा सवाल है, क्योंकि कई बार जो 35 प्लस लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनका बच्चा प्रीटर्म हो सकता है और थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा। छठा सवाल कि क्या मुझे डिलीवरी में दिक्कत आएगी, क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी करा पाऊँगी या मेरा सिजेरियन ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे एज बढ़ जाती है और 35 प्लस एज में पेल्विस का जो प्लायबिलिटी है या जो मूवमेंट है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने में थोड़ी तकलीफ़ आ सकती है, इसलिए कई बार सिजेरियन का परसेंटेज 35 प्लस लेडीज़ में बढ़ जाता है। तो अब यदि हमने सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है कि यानी कि अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है या बच्चा टाइम से पहले पैदा हो सकता है और नॉर्मल डिलीवरी होने में तकलीफ़ आ सकती है या फिर सिजेरियन का परसेंटेज बढ़ सकता है, तो क्या मुझे 35 के बाद प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। जवाब है ना, आप 35 के बाद आराम से प्रेगनेंसी कर सकती हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, उनसे अपने नॉर्मल हेल्थ चेकअप करवाने हैं, अपना बीपी चेक करवाना, अपना वज़न चेक करना, अपना शुगर चेक करना, अपना थायराइड चेक कराना है और सारी फिटनेस लेनी है। और यदि आपको लगता है कि आप में खून की कमी है तो पहले आप उसको ठीक कीजिए। आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो आपका TSH का वैल्यू 2.5 के नीचे होना चाहिए। तीसरा, आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी कंट्रोल होना चाहिए, और यदि आपको शुगर का प्रॉब्लम यानी डायबिटीज़ है तो शुगर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरीके से पहले आप अपना बॉडी फिटनेस पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। और जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर लेती हैं तो उसके तुरंत बाद हर महीने डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाइए, और जो डॉक्टर आपको टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं वो ज़रूर करवाने होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोताही ना बरतें, तो आप एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगी। थैंक यू।